मीडिया के लोकतंत्र का मामला है कि मीडिया कितना लोकतांत्रिक है। और मीडिया ओनरशिप एक समय यही था कि जब राजतंत्र और लोकतंत्र में फर्क यही है ना कि वहां सत्ता एक परिवार के बीच सिमटी हुई है और पत्रकारिता आज राजतांत्रिक ढांचे पे ही चल रही है। कुछ लोगों के पास सत्ता सिमटी हुई है। आज हमारे पास बहुत सारे मंच हैं। आनंद प्रधान सर हम लोग के क्लास में पहली बार आए थे तो कंटेंट पे बात हुई थी, मैंने उसी समय ये कहा था और मैं आज भी उस कायम हूँ कि हमारे पास मंच बहुत हैं। हम फेसबुक पर क्या लिखते हैं, हम अपने ब्लॉग पे क्या लिखते हैं, हम ट्विटर पे क्या लिखते हैं, वह भी तो एक मंच ही है कि हम अपने विचारों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या हम लिखना चाहते हैं? हम दिन भर में अगर फेसबुक पर केवल एक पोस्ट डालते हैं इसका मतलब हमारा लिखने का मन नहीं है। गांधी इसलिए भी महान है या पत्रकारिता उनकी इसलिए भी महान है क्योंकि वो जीवन के जिस भी फेज में जिससे भी वो लड़े भिड़े उसको अपनी पत्रकारिता में जगह दी। हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट में भी होगा, हमारे कैंटीन में, हम जहां भी सरकारी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां होता है सुझाव पत्रिका। सबको दिक्कत होती है लेकिन किसी ने आज तक उस सुझाव पत्रिका पेटिका में एक भी सुझाव डाला है? किसी ने सरकार को एक भी चिट्ठी अपनी समस्याओं के लिए लिखी है? दरअसल हम कितने सक्रिय हैं, बात यहां है। लोकतंत्र का मतलब हमेशा केवल मांगना नहीं है। हम उन मीडिया से भी केवल मांग नहीं सकते, हम देना क्या चाहते हैं? हम मीडिया को क्या अपनी बात दे रहे हैं? क्या हमने संपादक के नाम कभी चिट्ठी लिखी है? अगर हमने चिट्ठी नहीं लिखी तो हमें यह मांगने का भी हक नहीं है कि हम उनसे खबरें क्या मांग रहे हैं।